जय हिंद। हाँ, मैं संतोष यादव। जब भी कोई वर्कआउट करता है, चाहे घरे वर्कआउट करता है, चाहे जिम में वर्कआउट करता है, बॉडी बॉडी बनाने का प्रयास करता है, बवाल मचा रहा है, तो उसकी चेस्ट तो तगड़ी होनी ही चाहिए। क्योंकि जब आपकी चेस्ट तगड़ी रहेगी ना, आप मस्कुलर टाइप लगेंगे, स्ट्रांग टाइप लगेंगे, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी फिट और अट्रैक्टिव दिखती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आपका चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, बहुत से लोग वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कुछ कारणों की वजह से उनका चेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, तो आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसा वर्कआउट, जब भी आप वर्कआउट करना अपने रूटीन में चीजें डाल देना, 100% आप देखोगे आपकी चेस्ट डेवलप हो जाएगी, आपकी चेस्ट पूरी मसल जो है अट्रैक्टिव लगेगी, ओवरऑल उसमें मसल मास बढ़ेगा, काफी तगड़ी हो जाएगी। आप मुझे बताओगे संतोष भाई आपने क्या चीज बता दिया, बवाल मच गया, हमारी चेस्ट बढ़ गई है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग करने वाले हैं और तगड़ी चेस्ट बना के रखने वाले हैं। लेट्स डू, ले फिर आ गए। तो हमारे भाई रेडी हो जाओ वर्कआउट करने के लिए, हो सके तुरंत ही ट्राई कर लो, तुम्हें पता चल जाए कौन सी चीज है, कौन सी बवाल चीज हम ट्राई किए, तुम्हें मजा आ जाए। ये वर्कआउट आप दुनिया कोनो भी कोने में कर सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है, जिम में कर सकते हो, घरे कर सकते हो, जंगल में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो, कहीं भी चाहे जहां इसे कर सकते हो। अगर तुम जिम में जा रहे हो तो 5-5 किलो दो डंबल ले लो, ठीक है। अगर घरे वर्कआउट कर रहे हो, दुनिया कोनो कोने अलग जगह वर्कआउट कर रहे हो, जहां जिम उम का व्यवस्था नहीं है, वहां दो ईंट ले लो। ईंट तो कहीं 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 तुम मार ही दोगे, ईंट की व्यवस्था तुम्हारा काम है, तुम उसको कर लो। जिम में गए तो डंबल ले लिए, घरे कर रहे हो तो ईंट ले लिए। क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, डंबल या ईंट को रख देना जमीन पे, रख दिए अपने शोल्डर के समान ही हम लोग जमीन पे रख देंगे। अच्छे सेट कर लेना भैया, शोल्डर से अगर काफी बाहर होगा तो सही नहीं, उसमें आपको इंजरी होने के चांसेस हो जाएंगे, अंदर होगा तो चेस्ट पर नहीं जाएगा, आपके ट्राइसेप पर ज्यादा जाने लगेगा, तो कोई फायदा नहीं है। अपने शोल्डरवा के समान हम लोग ईंट या डंबलवा को रख दिए, ठीक है। अब आपकी ग्रिप ऐसे नहीं होगी, अब आपकी ग्रिप होगी ऐसे पकड़ लेंगे, डंबल का जो बार होता है उसे हम लोग पकड़ लेंगे, या तो आप ईंट रख रहे हो तो ईटवा इसे खड़ा करके जब ऐसे ऐसे रखोगे ना, अब उसे ईटवा को जबरदस्त तरीके से पकड़ो। ग्रिप बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रिप ही मेन है। जब अच्छी ग्रिप होगी तभी अपने चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे, तभी अपने चेस्ट को स्क्वीज कर पाएंगे, स्ट्रेच कर पाएंगे। एक सीधी लाइन बनाओ, लड़क फड़क वाला सिस्टम नहीं, कुछ लोग पिछड़ा उठा ले रहे हैं, कुछ लोग पिछड़ा नीचे कर ले रहे हैं, लंठे ही मत करो। अपने चेस्ट को रखो टाइट, अपने पेट को रखो टाइट, और अपने पैर को भी रखो टाइट, और पूरा एकदम सीधी लाइन बनाओ प्रभु, पूरा सीधी लाइन, लंठाई फंटाई ने ऊपर नीचे करके काहे, इस तरीके सीधी लाइन बनाओ। अब एकदम सीधा लाइन जब हो गया तुम्हारा, तो ये होगा तुम्हारा परफेक्ट फॉर्म। अपने चेस्ट को पहले से ही टाइट रखो, ऐसे एकदम से टाइट रखो, ताकि पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट रहे ना। धीरे से पूरा नीचे जाना है और ऊपर आके एकदम से फुलाने का प्रयास करना है अपने चेस्ट को, धीरे से नीचे जाना, ऊपर आके एकदम से फुलाने का प्रयास करना है। तुम्हें लगा नॉर्मल पुशअप नहीं मेरे भाई, नॉर्मल पुशअप से 3 गुना ज्यादा इफेक्टिव अगर आप तुम ऐसे करोगे, नीचे एकदम स्लो जा रहे हैं, ताकि जो हमारे पूरे बॉडी का वेट है अपने चेस्ट पे डाल सकें। जितना स्लो जाओगे उतना तुम्हारा जो चेस्ट मसल है उस पर लोड पड़ेगा, वो उतनी कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगी, उतनी अच्छी स्ट्रेच हो पाएगी। ऊपर आ रहे हो पूरा एकदम तानने का प्रयास करो, पूरी ताकत लगाओ एकदम चेस्ट को फुलाने में, ऊपर जब आ रहे हो ताकि ज्यादा ज्यादा लोड दे सके। अब एकदम धीरे जा रहे हो नीचे, अब एकदम ऊपर आके फुलाए रहे हो चेस्ट को। इस पोजीशन में क्या करना है, 12 से 15 बार ऐसे धीरे धीरे आपको करना है, एकदम धीरे धीरे, फॉर्म से होनी चाहिए, टेक्निक से होना चाहिए। हमें स्ट्रेच करना है, स्क्वीज करना है, स्ट्रेच करना है, स्क्वीज करना है। जैसे ही आपने इसे कंप्लीट किया, उससे तुरंत ही बात, डंबल है तो डंबल को सटा दो और ईट है तो ईट को सटा दो, दोनों को मिलाए दो एकदम आपस में सटा दो। अब क्या करेंगे, उसके तुरंत ही बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने हाथों को जो दूरी पर रखे थे ना भैया, अब नजदीक पे कर लो। एक होता है डायमंड पुशअप, हाई से करके आता है, एक होता है क्लोज ग्रिप पुशअप, हाई से करके आता है। ना डायमंड ही कर रहे हैं ना क्लोज ग्रिप कर रहे हैं, कुछ अलग ही कर रहे हैं जो हमारे चेस्ट को फाड़ के रख देगा, कुछ अलग ही कर रहे हैं जो हमारे चेस्ट को तगड़ा बनाने में हेल्प करेगा, कुछ अलग ही कर रहे हैं जो बवाल तरीके से चेस्ट बनाने में हेल्प करेगा। ना ऐसे करके रखना है, ना ऐसे करके रखना है, हथवा को हाई से करके रखना है, इटवा पर रख दो। डंबलवा तो रख नहीं पाओगे, डंबलवा ऐसे करके पकड़ ही लो, ठीक है ना। इटवा ऐसे करके पकड़ लो, डंबलवा ऐसे करके आप पकड़ लो, किस तरीके से, जब आप पकड़ लोगे ना और एकदम सीधा जब ऊपर चेस्ट को टाइट करोगे, तुरंत ही आपकी चेस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपकी जो इनर चेस्ट है इसे बढ़ाने में एक्सरसाइज हेल्प करेगी। तो कैसे करना है, पूरा नीचे जाके अपने हथवा में अपने चेस्ट को टच कराना है, ऊपर आके फुलाए देना है, हथवा में अपने चेस्ट को टच कराएं, जैसे हम करें देख सकते हो किस तरीके से फॉर्म है, किस तरीके से टेक्निक है, किस तरीके से पूरा पोजिशन है, और नीचे कैसे जाया जा रहा है, ऊपर कैसे आके अपने चेस्ट को फुलाया जा रहा है, ये चीज़ भी आप देख लो। तो नीचे आपको धीरे जाना है, ऊपर आके अपने चेस्ट को फुलाना है। इस पोजीशन में आप देखोगे जैसे ही आपने पुशअप किया, वो पहला वाला जो दूरी पे हाथ कर किया था स्लो और ऊपर आके फुलाया था, उसके तुरंत बाद जब आप ये करोगे 10 से 12 रेप्स मारते ही आपकी पूरी चेस्ट फूल गई है, पूरी चेस्ट एकदम ओवर पंप हो गई, तुम्हें लगेगा कि तुरंत ही बन गई। क्या बे, तुरंत नहीं बनता है, वो इतना तगड़ा पंप दे देगा कि तुम्हें मजा आ जाएगा। दोनों को सुपर सेट में 15 बार उसको और 15 बार इस चीज को आपको करना है, स्लो कंट्रोल स्क्वीज पूरा माइंड सेट के साथ। अब एक्सरसाइज कब करना है मेरे भाई, आप जब चेस्ट वर्कआउट कंप्लीट कर लो, लास्ट में 10 से 15 मिनट इसे देना है। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे दिन भी कर सकते हैं, हाँ दूसरे दिन भी कर सकते हो, जब बाइसेप ट्राइसेप कुछ भी मार रहे हो,
लास्ट टाइम ही एक्सरसाइज करना, लास्ट टाइम ही ज्यादा काम करेगी, तो कम से कम आप इसे 3 हफ्ते फॉलो करो, आप देखोगे आपकी चेस्ट बड़ी लगने लगेगी, उसकी मसल मास बढ़ जाएगा, ओवरऑल उसका लुक तगड़ा हो जाएगा और आपकी चेस्ट बहुत धाकड़ लगेगी कपड़े के ऊपर भी, और जब कपड़ा उतार दोगे तो बॉल मची जाएगा। अगर तुम कन्फ्यूजन हो ना, आज ही ट्राई कर लो, अभी तुरंत ट्राई कर लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। और चेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसे ट्राई किया, हमने सोचा अपने भाई लोग भी बता देते हैं, जिसकी चेस्ट अंडबंड तरीके से गड़बड़ हुई है उसकी चेस्ट सही हो जाएगी, बवाल तरीके उसकी चेस्ट बन जाएगी। और मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब बहुत दिन बाद, कम से कम 7-8 महीने बाद हम बोल रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करो, बहुत कम फॉलोअर हुआ आ रहे हैं, तो आप भी थोड़ा हेल्प करो और अच्छा अच्छा वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं, लाइक फाइक कर देना जो भी आपका मन हो। बाकी मेरे भाई, अगर आपको अपने लिए वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान चाहिए तो आपको सिर्फ 199 रुपया पे करना होगा, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा देसी न्यू फिटनेस टीम का, हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करके अपना डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान ले सकते हैं। इतने कम पैसे में दुनिया में कोई भी डाइट प्लान नहीं दे रहा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे जो सभी मिडिल क्लास भाई हैं, गरीब परिवार से लोग हैं, वो सभी बॉडी बना सके और अपने आप को तगड़ा बना सके। खुश रहो, मस्त रहो, काम पे ध्यान दो, मोटिवेटेड रहो, आगे बढ़ते रहो हमेशा। दौड़ नहीं सको तो चलो, चल नहीं सको तो रेंगो, लेकिन रुको मत, क्योंकि तुम रुक जाओगे तो लोग जो तुम्हारा सोच रहे थे कि साला कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हें मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा तुम चलने लगोगे, तुम दौड़ने लगोगे, तुम बवाल मचा के रख दोगे, आगे बढ़ जाओगे। जय हिंद।